हेलो एंड वेलकम टू स्टडी AQIS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। इंडिया के 3 नए वेटलैंड्स को मिला रामसर साइट्स का स्टेटस। इंडिया में रामसर साइट्स की संख्या इंक्रीज होकर हुई 85। 2014 से 2024 के बीच 59 नए वेटलैंड्स को लिस्ट में दी गई है। पाकिस्तान में फिर हुई एमपॉक्स वायरस की एंट्री। 3 पेशेंट्स हुए शिकार। ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस की एक स्पीशीज से है वायरस का रिलेशन। और देश में लॉन्च हुआ सैटेलाइट बेस्ड फार्म डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इस सिस्टम के डेवलपमेंट में रीसेट 1A एंड वेदास का किया गया यूज। क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है मकसद। यूपीएससी की तैयारी के दौरान पढ़ने वाले बड़े आर्थिक बोझ और घर छोड़कर किसी बड़े शहर जाकर तैयारी करने की मजबूरी के चलते यदि आप आईएएस बनने का सपना देखना छोड़ रहे हैं और घबरा रहे हैं तो आपकी इन्हीं समस्याओं का वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया है स्टडी AQIS हिंदी का प्रतिज्ञा 2.0 बैच। इस बैच में एनरोल होने पर आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन जैसी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है एक सिलेक्शन बॉक्स जिसमें 18 किताबों का एक सेट, पेन, डायरी, भारत और विश्व का भौगोलिक एवं राजनीतिक मानचित्र, हाइलाइटर और कई महत्वपूर्ण एसेसरीज भी शामिल हैं, जो आपके प्रिपरेशन के दौरान बेहद सहायक होंगी। और सबसे खास बात ये कि यदि आपने प्रीलिम्स 2025 क्लियर कर लिया तो आप अपनी फुल फीस रिफंड करा सकते हैं और तब आपके कोर्स की वैलिडिटी भी 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी IQ परिसर में निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस बेहद शानदार बैच में आपको मिलेंगी कुल मिलाकर 1000+ घंटों की लाइव क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग के लिए टॉपिक आधारित प्रश्न, हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स और SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी निःशुल्क मिलेगा और इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है बेहद अफोर्डेबल प्राइस में। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अमृत लाइव कोड यूज कीजिए और 23,999 रुपए में एनरोल हो जाइए। आइए शुरू करें। इमेजिन कीजिए आप एक तरफ किसी फेस्टिवल की प्रिपरेशन में बिजी हैं और कहीं से आपको एक यूनिक गिफ्ट मिल जाता है। नेचुरली आपकी हैप्पीनेस डबल हो जाएगी। कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हमारे देश के साथ भी हुआ। एक तरफ तो हमारी पूरी कंट्री इंडिपेंडेंस के 77 ईयर्स पूरा होना सेलिब्रेट कर रही थी एंड दूसरी तरफ ये न्यूज़ आ गई कि इंडिया के 3 न्यू वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के नेटवर्क में इंक्लूड कर लिया गया है। आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंस के ईयर को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। 2024 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस के 77 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए इंडिया इंडिपेंडेंस का 78th डे सेलिब्रेट कर रहा है। इसकी वजह है कि हम इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए 1947 से काउंट करते हैं। आई होप अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। आइए न्यूज पर वापस आते हैं। तो अब इंडिया में रामसर साइट्स 82 से बढ़कर 85 हो गई हैं, जो इंडिया में 13,58,068 हेक्टेयर्स एरिया को कवर करती हैं। जिन 3 न्यू साइट्स को ऐड किया गया है उनके नाम हैं द नंज नारायण बर्ड सेंचुरी एंड द काजू वैली बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु एंड द तवा रिजर्वायर इन मध्य प्रदेश। इन रामसर साइट्स के बारे में जानने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेटलैंड। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग वेटलैंड एक स्वाम्प, मार्शलैंड, पीटलैंड या फिर वाटर का एक एरिया है, चाहे वो नेचुरल हो या मैनमेड, परमानेंट हो या टेम्परेरी, जिसमें वाटर स्टैग्नेंट हो या फिर फ्लोइंग, या फिर वो फ्रेश, ब्रैकिश या सॉल्टी हो। इसमें सी वाटर के एरियाज भी शामिल हैं जिनकी डेप्थ लो टाइड में 6 मीटर से एक्सीड न करती हो। बट यू शुड नो कि इसमें रिवर चैनल्स, पैडी फील्ड्स, ड्रिंकिंग वाटर के पर्पस से बिल्ड की गई मैन मेड वाटर बॉडीज या टैंक्स शामिल नहीं है। साथ ही एक्वाकल्चर, सॉल्ट प्रोडक्शन, रिक्रिएशन एंड इरिगेशन के लिए बिल्ड किए गए स्ट्रक्चर्स को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। वहीं रामसर साइट एक वेटलैंड साइट है जिसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस दिया गया है। इन वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जिसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं, वो वेटलैंड्स के वाइज यूजेज और कंजर्वेशन के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। ये ट्रीटी वेटलैंड्स के इकोलॉजिकल कैरेक्टर को प्रिजर्व करने के लिए ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स में से एक है। इसे ईरानियन सिटी रामसर में 1971 में यूनेस्को द्वारा साइन किया गया था। अब 170 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन इन 1982। 1982 से लेकर 2013 तक इंडिया में रामसर साइट्स की लिस्ट में 26 साइट्स ऐड की गई।
2014 से लेकर 2024 तक के बीच में लिस्ट में 59 न्यू वेटलैंड्स को ऐड किया गया। करंटली तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, तमिलनाडु में 18 रामसर साइट्स हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं। एरिया के टर्म्स में बात करें तो गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, इट इज़ फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी वेटलैंड को रामसर साइट में कैसे इंक्लूड किया जाता है। देखिए, किसी साइट को रामसर साइट होने के लिए उसे 1971 के रामसर कन्वेंशन द्वारा सेट किए गए 9 पैरामीटर्स में से एटलीस्ट एक को फुलफिल करना होता है, जैसे कि वो साइट वल्नरेबल इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करती हो, या फिर वो साइट रेगुलर बेसिस पर 20,000 या ज़्यादा वाटर बर्ड्स के लिए होम हो, या फिर वो साइट फिशेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स हो, या फिर एक ऐसी ब्रीडिंग साइट, नर्सरी या माइग्रेशन रूट हो जिस पर फिशेज डिपेंड करती हों। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इंडिया के रामसर वेटलैंड्स कंट्री के टोटल वेटलैंड एरिया का अराउंड 10% है, जो 18 स्टेट्स के अक्रॉस स्प्रेडेड हैं। किसी दूसरी साउथ एशिया कंट्री में इतनी सारी साइट्स नहीं हैं। हाउएवर, इंडिया के इस अचीवमेंट में इसके जियोग्राफिकल एक्सपेंशन और ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी ने एक मेजर रोल प्ले किया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 2,400 से भी ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, जो 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में स्प्रेड हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ साइट्स, यूनाइटेड किंगडम 175 साइट्स के साथ फर्स्ट पोजिशन पर है, मैक्सिको 142 साइट्स के साथ सेकेंड पोजिशन पर है। एरिया के टर्म्स में बात करें तो बोलीविया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ रामसर साइट्स। बोलीविया का अराउंड 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया इस कन्वेंशन के प्रोटेक्शन में आता है। इट इज़ नोटवर्दी कि ये सारी कंट्रीज इंडिया से स्मॉल हैं, बट रामसर साइट्स की संख्या यहाँ ज़्यादा है। अगर इंडिया की बात की जाए, देन इसरो द्वारा प्रिपेयर की गई नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री एंड असेसमेंट के अकॉर्डिंग अभी तक इंडिया के वेटलैंड्स अराउंड 1,52,600 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेडेड हैं, जो कंट्री के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का लगभग 4.63% है। इनमें से अराउंड 40% इनलैंड नेचुरल वेटलैंड्स है एंड अराउंड 1/4 कोस्टल वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड्स कई तरह से बेनिफिशियल हैं। उत्तर प्रदेश एंड गुजरात में तो ये वेटलैंड्स माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल लेवल पर अगर देखें तो वेटलैंड्स में सॉयल कार्बन डेंसिटी हाईएस्ट होती है एंड देयरफॉर ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा वेटलैंड्स जैसे एरियाज अब टूरिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट बन गए हैं। वहीं वो वेटलैंड्स जिन्हें रामसर साइट्स डिक्लेयर कर दिया गया है, उन्हें इंटरनेशनल फंडिंग मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ऑल्दो रामसर साइट डिक्लेयर होने से नेसेसरी नहीं होता कि एक्स्ट्रा इंटरनेशनल फंड्स मिल ही जाएंगे, बट यहाँ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि इन एरियाज को प्रिजर्व किया जाए और इन्हें मैन मेड इंक्रोचमेंट से प्रोटेक्ट किया जाए। रामसर साइट डिक्लेयर होने से लोकल टूरिज्म पोटेंशियल में और इसकी इंटरनेशनल रीच में हेल्प मिलती है। इंडिया के 78th इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल फ्लैग ट्राइकलर को होस्ट किया एंड फिर रेड फोर्ट से पूरी कंट्री को एड्रेस किया। वी ऑल आर अवेयर कि हमारा नेशनल फ्लैग नेशनल प्राइड एंड यूनिटी का सिंबल है। इसके इंपॉर्टेंस को समझने के लिए लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन प्रीलिम्स 2023। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। एंड द स्टेटमेंट वन इज, वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 mm x 400 mm। स्टेटमेंट टू वॉज, द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। सेकेंड ऑप्शन वॉज, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Third option was, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. And last option was, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. And the correct answer is option D. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Now let us try to understand the historical context and evolution of the national flag. इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की अर्ली स्टेजेस में से एक यूनिफाइड फ्लैग की नीड इमर्ज हुई, जिसके बाद 1904 में सिस्टर निवेदिता ने यह प्रपोज किया कि इसमें रेड एंड येलो कलर्स होने चाहिए, जो विक्ट्री एंड स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करते हैं, विथ वंदे मातरम इन बंगाली। बट ये प्रपोजल आगे नहीं बढ़ पाया।
फिर फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग 1906 में आया, जिसमें ब्लू, येलो एंड रेड स्ट्राइप्स थी एंड 8 स्टार्स थे जो 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। सबसिक्वेंट डिजाइन में कलकत्ता फ्लैग इन 1906, द बर्लिन फ्लैग बाई मैडम भीकाजी कामा इन 1907 एंड होम रूल फ्लैग इन 1917 शामिल हैं। इनमें से हर एक में ग्रो होती नेशनलिस्ट स्पिरिट को क्लियरली देखा जा रहा था। ईयर 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा इंडिया के इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन के साथ ही सभी कम्युनिटीज को इंक्लूड करने वाले फ्लैग को डिजाइन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लीडरशिप में एक एडहॉक कमेटी को सेटअप किया गया। गांधी जी के अप्रूवल के बाद पिंगली वेंकैया के फ्लैग का मॉडिफाइड वर्जन अडॉप्ट करने का डिसीजन हुआ। हाउएवर, इसमें अशोक चक्र की जगह चरखा को दिखाया गया था, विच वॉज लेटर चेंज्ड। द ट्राई कलर फ्लैग विथ 3 कलर्ड स्ट्राइप्स, सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन एंड अशोक चक्र एज द नेशनल एम्बलम वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड एज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन 22nd ऑफ जुलाई 1947। इसमें सैफ्रॉन कलर्ड अपर स्ट्राइप करेज, सेक्रीफाइस एंड स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन को रिप्रेजेंट करती है। लोएस्ट ग्रीन स्ट्राइप फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस का सिंबल है। ब्लू सर्कल ये शो करता है कि लाइफ डायनेमिक है एंड स्टैग्नेशन लीड्स टू डेथ। ये कॉन्टिन्यूस मोशन एंड प्रोग्रेस की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज करता है। इस चक्र के डिजाइन धर्म चक्र से इंस्पायर्ड है, जो सारनाथ के सिंह स्तंभ में न्याय के पहिए यानी व्हील ऑफ जस्टिस से लिया गया है। इस पिलर को मौर्यन एम्पायर अशोका ने 3rd century BC में बिल्ड किया था। अगर हम इसे रिलेटेड रूल्स की बात करें तो इंडियन फ्लैग कोड 2002 में नेशनल फ्लैग के डिस्प्ले एंड यूज के रूल्स दिए गए हैं। फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग इंडियन फ्लैग खादी से बनाया जाएगा, विच इज अ हैंड स्पन एंड वोवेन क्लॉथ। ये कंट्री की सेल्फ रिलायंस एंड स्वदेशी मूवमेंट के प्रति कमिटमेंट का सिंबल है। रेक्टेंगुलर शेप के इस फ्लैग को यूनिफॉर्मिटी इन रिप्रेजेंटेशन के लिए 3:2 के स्पेशल रेशियो में रखा जाता है। फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग इसके 9 साइजेस को अप्रूव किया गया है, 6300 × 4200, 3600 × 2400, 2700 × 1800, 1800 × 1200, 3015 × 900, 900 × 600, 450 × 300, 225 × 150 एंड 150 × 200। ईयर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) में दिए गए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत नेशनल फ्लैग फ्लाई करने के राइट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर रेड फोर्ट पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फॉर्मली फ्लैग होस्ट किया जाता है, वेयर एज रिपब्लिक डे पर इट इज अनफर्ल्ड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस बारे में हमने डेली न्यूज रिपोर्ट के प्रीवियस एपिसोड में डिटेल में डिस्कस किया है। अभी कुछ समय पहले ही ह्यूमैनिटी COVID-19 वायरस जैसे डेंजरस वायरस को फेस करके बाहर निकला ही था कि एक दूसरे वायरस ने सबको कंसर्न कर दिया है। इस वायरस का नाम है एमपॉक्स। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में इसके 3 पेशेंट्स पाए गए हैं। ये सभी पेशेंट्स UAE से आए थे। एमपॉक्स को WHO ने वायरस के एक नए टाइप के रूप में आइडेंटिफाई किया एंड रिसेंटली इस डिजीज के आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया। WHO ने इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी के रूप में क्लासिफाई किया है, जिसका मतलब है कि इसे इमीडिएट अटेंशन चाहिए। जनवरी 2023 से 27,000 से भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं एंड अराउंड 1100 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। ये वायरस अब कांगो के कुछ पार्ट्स के अलावा ईस्टर्न कांगो से रवांडा, युगांडा, बुरुंडी एंड केन्या तक स्प्रेड हो गया है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एमपॉक्स। देखिए, एमपॉक्स एक वायरल डिजीज है विच इज कॉज्ड बाई मंकी पॉक्स वायरस, जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस की एक स्पीशीज है। एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। इस वायरस को 1958 में साइंटिस्ट्स ने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया जब मंकीज में पॉक्स जैसे डिजीज का आउटब्रेक देखा गया। एमपॉक्स बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ वायरसेस जिसमें स्मॉल पॉक्स होता है। ये प्राइमरली इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल के कॉन्टैक्ट में आने से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो एमपॉक्स से इन्फेक्ट होने वाले इंडिविजुअल्स को यूजुअली बॉडी पर रैशेज होने लगते हैं, जो हैंड्स, फीट, चेस्ट, फेस या माउथ के अराउंड हो सकते हैं। इसके दूसरे सिम्टम्स में फीवर, हेडेक एंड मसल पेन भी शामिल हैं। इस वायरस से फाइट करने में लिम्फ नोड्स भी स्वेल हो सकते हैं एंड रेयर केसेस में ये वायरस जानलेवा भी हो सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हाउएवर WHO इसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेन एंड फीवर मेडिसिन देने की रिकमेंडेशन करता है। ऑल्सो अगर पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है एंड उसे कोई स्किन डिजीज नहीं है देन बिना किसी ट्रीटमेंट के भी वो रिकवर कर सकता है, उसे बस अच्छे केयर की नीड होती है। फार्मर्स के क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के एम से गवर्नमेंट ने एक सैटेलाइट बेस्ड एग्रीकल्चरल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। इसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर भागीरथ चौधरी ने अनवेल किया। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रीसेट 1A एंड वेदास के यूज से डेवलप किया गया है। ये सिस्टम फार्मर्स को वेदर फोरकास्ट, क्रॉप डैमेज सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा फार्मिंग को ईजी बनाने के लिए फार्मर्स के लिए टाइम टू टाइम गाइडलाइंस भी इशू की जाएंगी सो दैट फार्मर्स क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर पाएं। इस सिस्टम का एडवांटेज ये होगा कि फार्मर्स को रिस्क के बारे में बिफोर हैंड अलर्ट कर दिया जाएगा, इससे समय रहते क्रॉप्स को सेव किया जा सकेगा। इसके अलावा ये सिस्टम इसरो के मोस्टडेक एंड भुवन जियो स्पाशियल प्लेटफॉर्म के साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के सिस्टम को भी कनेक्ट करेगा एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड सभी स्टेक होल्डर्स को डेटा अवेलेबल कराएगा। यू शुड नो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने एग्रीकल्चरल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। नाउ इट इज टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे एंड टूडेज टर्म ऑफ द डे इज कैंगरू क्लोजर। कैंगरू क्लोजर एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। 1911 में ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस में आया। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें चेयरमैन या स्पीकर किसी मैटर, प्रपोजल या बिल पर डिस्कशन के लिए केवल कुछ अमेंडमेंट्स को ही सेलेक्ट करते हैं, रेस्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिस्कशन। अगर एक लाइन में एक्सप्लेन किया जाए तो इस प्रपोजल में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेज पर ही डिबेट और वोटिंग होती है, बाकी के क्लॉजेज को लेफ्ट आउट कर दिया जाता है। उन्हें भी इनके साथ पास्ट कंसिडर किया जाता है। इसे फर्स्ट टाइम यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में 1909 में फाइनेंस बिल पर बैटल के दौरान यूज किया गया था। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रिसेंटली जियो पारसी स्कीम पोर्टल को लॉन्च किया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जियो पारसी स्कीम पोर्टल का एम इंडिया में पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन के डिक्लाइन को रोकना है। ये पारसी कपल्स को मेडिकल ट्रीटमेंट एंड चाइल्ड केयर के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। जियो पारसी स्कीम को 2013-14 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के 3 कंपोनेंट्स हैं, मेडिकल एड, एडवोकेसी एंड कम्युनिटी हेल्थ। ये स्कीम पारसी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए साइंटिफिक प्रोटोकॉल एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन को अडॉप्ट करती है। यू शुड नो कि 2001 में हमारे कंट्री में पारसी कम्युनिटी के पॉपुलेशन 69,601 थी, जो 2011 में डिक्रीज होकर 57,264 हो गई। इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र में रिसाइड करती है और उसके बाद गुजरात। इंडिया थर्ड वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट करने जा रहा है, जिसकी बिगनिंग 17 अगस्त यानी आज से हो रही है। इस समिट की थीम है एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। प्रीवियस 2 समिट्स की तरह थर्ड वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भी वर्चुअली ऑर्गेनाइज होगी। इस समिट में कॉन्फ्लिक्ट, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस एंड क्लाइमेट चेंज जैसे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को डिस्कस किया जाएगा। ये प्रीवियस समिट्स में हुए डिस्कशंस को आगे बढ़ाने के प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। इसके लास्ट 2 एडिशंस को भी इंडिया ने जनवरी एंड नवंबर में होस्ट किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने AI बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम को लॉन्च किया है, जो फार्मर्स को अपने फोन्स का यूज करके पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स एंड एक्सपर्ट्स से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। इसका एम पेस्टिसाइड रिटेलर्स पर फार्मर्स की डिपेंडेंसी को कम करना और पेस्ट मैनेजमेंट की तरफ एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करना है। ये सिस्टम AI टूल्स का यूज करके पेस्ट्स पर लेटेस्ट डेटा को एनालाइज करेगा, जो फार्मर्स एंड एक्सपर्ट्स को पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। पायटोंगटान चिनावाट थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। 37 इयर्स की एज में शी विल बी द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड।
एंड वो इस पोस्ट को होल्ड करने वाली सेकंड वुमेन हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्वेता थावेसिन को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट द्वारा इस पोस्ट से रिमूव किया गया एंड इसके 2 डेज के बाद ही चिनावर्ट को इलेक्ट किया गया है। ये दोनों फेउ थाई पार्टी से हैं जो 2023 के इलेक्शंस में सेकंड आई थी, बट पार्टी ने कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स के नाम से पॉपुलर डीआरडीओ के मिसाइल साइंटिस्ट राम नारायण अग्रवाल की डेथ हो गई है। इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अग्रवाल एक लीडिंग फिगर थे। उन्होंने कंट्री के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट किया था। अग्नि मिसाइल्स के फर्स्ट प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में उन्होंने इन स्ट्रेटजिक वेपन्स के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। अपनी लीडरशिप एंड विजन के चलते ही वॉज नोन एज अग्नि मैन एंड फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स। अग्नि मिसाइल इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1983 में स्टार्ट किए गए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम का पार्ट थी। ये इस प्रोग्राम के तहत डेवलप की जाने वाली 5 मिसाइल्स में से एक थी। दूसरी मिसाइल्स में पृथ्वी, आकाश, नाग एंड त्रिशूल शामिल। नाउ इट इज टाइम टू सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द बुलेटिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू वेटलैंड्स। About 10% of India's total wetland area is covered by wetlands included in Ramsar sites. The National Wetland Inventory and Assessment is prepared by ISRO. Indonesia has the highest number of Ramsar sites among South Asian countries. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3 or 1, 2 and 3. Second question is, the blue circle in the national flag has been taken from the lion pillar of Sarnath built by Mauryan Emperor Ashoka in the 3rd century BC. What does this circle mean? Wheel of religion, wheel of power, or wheel of non-violence? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. 14th of August is celebrated as Partition Horrors Remembrance Day in India. It was announced by India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. And the correct answer is option A, only one. Second question was, consider the following statements. The Defence Research and Development Organization has successfully test-fired the long-range glide bomb, LRGB, Gaurav, for the first time. It has been developed by India in collaboration with Israel. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. And the correct answer is option A, only one. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो शेयर योर फीडबैक एंड ओपिनियन अबाउट दिस प्रोग्राम इन द कमेंट सेक्शन। तो डेली न्यूज रिपोर्ट के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ स्टडी IQIS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।